हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो हमने क्या स्टार्ट कर रखी है, हमने सॉल्यूशन यूनिट है स्टार्ट कर रखी है। तो आज क्या करेंगे, हमें रोल्स ला से शुरुआत करते हैं। तो रोल्स ला देखिए, रोल्स ला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोल्स ला, रोल्स ला क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एंट्रांस एग्जाम जो होता है उनके अंदर भी पूछा जाता है। तो रोल्स ला क्या है, और ये यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के अंदर भी आता है। तो रोल्स ला क्या होता है, रोल्स ला अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन, मान लिया मैंने ये बीकर लिया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर ये क्या है, यहाँ पे मैंने लिया सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी, यानी ए किसको रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को, और बी किसको रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को, यानी यहाँ क्या है सॉल्यूट भी, सॉल्वेंट भी हो रहा है सॉल्यूट भी, तो क्या बनाता है सॉल्यूशन। जब हम इसको हीट करते हैं, यानी कि इसको हीट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर वेपर प्रेशर बनेगा, क्या बनेंगे वेपर्स बनेंगे, और ये वेपर्स क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे ए और बी ये दो क्या है कंपोनेंट, किसके सॉल्यूशन के, ये क्या बनाएंगे वेपर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये वेपर्स बनाएंगे, यानी कि किसी भी कंपोनेंट, मान लिया वो सॉल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट हो, उनका क्या निकाले हमें वेपर प्रेशर। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का हम क्या निकाले वेपर प्रेशर, तो वो किसके इक्वल होता है, कोई भी, मान लिया मैं पी ए का निकालू, पी ए क्या है वेपर प्रेशर ऑफ ए सोलवेंट, यानी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट टू सोलवेंट, सोलवेंट को, यानी कि ए किसको रिप्रेजेंट करता है सोलवेंट को, यानी कि वेपर प्रेशर किसका सोलवेंट का, किसके इक्वल होगा, यहां पे ये वेपर्स हैं किसके हैं ए प्लस बी के, यानी कि यहाँ पे ए के भी वेपर्स हैं और बी के भी वेपर्स हैं। तो यहां से अगर हम ए के वेपर प्रेशर, यानी ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालें, तो कैसे निकालेंगे, यहां जितने जितने भी मोलिक्यूल हैं, यानी जितने पार्टिकल हैं, किसके पार्टिकल है सॉल्वेंट के पार्टिकल, उनका मोल फ्रैक्शन, यानी कि किसका मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निट्टा ए, ठीक है। यानी कि अगर हमें वेपर प्रेशर निकाले किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी कंपोनेंट का, तो किसके इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी जिस कंपोनेंट का हम निकाल रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे एक कंपोनेंट का, क्या निकालेंगे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉम्पोनेंट के वेपर प्रेशर से, यानी कि एक कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर कितना है, यानी एक एक का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई, तो क्या होगा वेपर प्रेशर आएगा किसका, पूरे का, यानी कि पूरे सारे कंपोनेंट का क्या आएगा वेपर प्रेशर, यानी जितने भी ए कंपोनेंट है, जितने भी सॉल्यूशन के अंदर ए कंपोनेंट आएंगे उनका वेपर प्रेशर आएगा। अगर हम पी बी निकालें तो किसके इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि एक्स बी इंटू निटा बी इंटू पी बी, पी बी क्या है यहाँ पे मोल, यहाँ पे क्या है वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट, कौन सा सोल्यूट के कंपोनेंट का, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से, तो क्या आएगा पी बी, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या है रोल्स ला। रोल्स ला क्या कहता है, किसी भी कॉम्पोनेंट का अगर वेपर प्रेशर निकालना हो तो हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना होगा, वेपर प्रेशर एक कॉम्पोनेंट का, यानी कि उस कॉम्पोनेंट के एक पार्टिकल का, एक पार्टिकल का वेपर प्रेशर किससे मल्टीप्लाई करें मोल फ्रैक्शन से। तो डेफिनेशन लिखिए आप, क्या करें हमारी जो इक्वेशन आई थी पी ए इक्वल निट्टा ए डॉट पी ए, पी बी इक्वल निट्टा बी डॉट पी बी, ये क्या है हमारी इक्वेशन, यानी ये किसके लिए है सॉल्वेंट के लिए, ये किसके लिए है सॉल्यूट के लिए, ये किसके लिए है सॉल्यूट के लिए। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट
मल्टीप्लाई बाई वेपर प्रेशर ऑफ वन पार्टिकल कंपोनेंट, वन वेपर प्रेशर ऑफ वन पार्टिकल ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी उस कंपोनेंट का हमें एक पार्टिकल का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट से, तो क्या आएंगे हमारे वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो इन प्योर स्टेट, किसमें होगा प्योर स्टेट के अंदर। तो ये क्या है रोल्ड्स ला, रोल्ड्स ला क्या कहता है, अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना हो किसी भी कंपोनेंट का तो किसके इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई होगा ये वेपर प्रेशर किसका एक पार्टिकल का, यानी उस कंपोनेंट के एक पार्टिकल को किस उस पार्टिकल के वेपर प्रेशर से, एक पार्टिकल के वेपर प्रेशर से उस कंपोनेंट के किसको मल्टीप्लाई कर दें मोल फ्रैक्शन से ऑफ दैट कंपोनेंट, तो क्या आएंगे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ए का भी निकाल सकते हैं और बी का भी। अब क्या अगर अब क्या बताएंगे इसका ग्राफ, यानी रोड्स ला का ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रोड्स ला का ग्राफ, तो देखिए रोड्स ला ग्राफ, तो देखिए यहां पे क्या है ग्राफ बनाएंगे हम इस तरह से, ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसान है। यहां पे क्या लेंगे हम, यहां पे लेंगे मोल फ्रैक्शन, नीचे की तरफ क्या होगा मोल फ्रैक्शन, ऊपर की तरफ क्या होगा वेपर प्रेशर, मैं वी पी से लिख रहा हूं वेपर प्रेशर को वी पी से, यानी इस तरफ वेपर प्रेशर इस तरफ मोल फ्रैक्शन, तो क्या होगा यहां से एक्स ए और एक्स बी, यहां पे भी क्या होगा एक्स बी और एक्स ए। अब यहां पे क्या है एक्स ए किसके इक्वल रखू मैं वन के इक्वल, और एक्स बी किसके इक्वल रखू जीरो, यहां पे एक्स बी क्या रखूंगा मैं, यहां पे एक्स ए वन है तो यहां पे एक्स बी वन, और एक्स ए किसके इक्वल रखूंगा जीरो के इक्वल, यहां पे एक्स ए वन है तो यहां पे क्या होगा कुछ वेपर प्रेशर है यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए, और यहां पे क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि यहां एक्स बी की वैल्यू क्या है वन है, यहां पे क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब क्या करेंगे हम इनको, यहां से एक्स ए कितना है वन, जब हम बी की ओर जाएंगे यानी कि बी की ओर जाएंगे तो यहां से एक्स ए क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, यानी एक्स ए की वैल्यू कम होती जाएगी और एक्स बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब यहां से इसकी ओर जाएं, इसको इसे मिलाए यानी यहां से इस तरफ जाएं तो एक्स ए की वैल्यू यानी कि वेपर प्रेशर ए किसका सोलवेंट का वो क्या होगा यहां पे होगा, ठीक है। तो अब क्या करें इनको मिला दें, इनको मिला दिया तो ये क्या है हमारा ग्राफ, किसका ग्राफ है ये रोल्ड्स ला को रिप्रेजेंट करता है, और यहां से ये क्या लिखेंगे हम ये पी ए यहां पे हो गया, यहां से एक्स यानी ये पी बी आई होगी, यानी यहां पे क्या है पी ए और यहां से पी बी, हमारी पी ए किसके इक्वल आई थी पी ए आई थी एक्स ए मोल फ्रैक्शन इंटू पी ए, इसको यहां पे हम लिखेंगे इस तरफ तो पी ए इक्वल एक्स ए डॉट पी ए, यहां से इस तरफ से पी बी इक्वल एक्स बी डॉट पी बी, तो ये क्या हमारा ग्राफ है और ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है किसका रोल्ड्स ला का। तो अब हम करेंगे रोल्ड्स ला फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या करेंगे अब पहले इससे पहले कुछ इक्वेशन बता दो आपको, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है पी ए प्लस पी बी इक्वल किसके होता है पी एस के, ये क्या है यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्लस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, जो मैंने ग्राफ बनाया था आपके सामने अभी भी थोड़ी देर पहले इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया था, तो यहां पे मैंने ये लाइन एक दूसरे के साथ मिलाई थी, ये पी ए था ये पी बी था, तो यहां पे क्या होगा यहां पे पी ए प्लस पी बी ये किसको रिप्रेजेंट करती है पी ए प्लस पी बी को, किसके इक्वल होता है पी एस के, ठीक है। तो यहां से क्या है वेपर प्रेशर अगर किसका निकालना हो सॉल्यूशन का तो किसके इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है एक प्रकार से, ये क्या है वेपर प्रेशर, यहां से क्या निकालेंगे रोल्ड्स ला, क्या निकालेंगे रोल्ड्स ला,
रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, एक तो होता है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या होता है, जिसके वेपर से नहीं बढ़ते, यानी और वोलाटाइल कौन सा होता है, जिसके वेपर से बढ़ते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए रोल्स लॉ, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यानी कि हमें क्या निकालना है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए, मान लिया मैं एक कंटेनर लेता हूं, यहां पे क्या है एक प्योर सोलवेंट है, क्या है प्योर सोलवेंट, मतलब इसके अंदर सोल्यूट ऐड नहीं है, क्या नहीं है इसके अंदर सोल्यूट ऐड नहीं है, प्योर सोलवेंट है, यानी यहां पर क्या है ओनली ए के पार्टिकल्स। और यहां पे अगर हम इसको हीट करें तो यहां पे क्या होगा, ओनली किसके पार्टिकल होंगे, यानी ओनली यहां पे वेपर प्रेशर होगा किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है, यानी यहां पे प्योर सॉल्वेंट ले तो यहां पे वेपर प्रेशर किसका होगा, ओनली ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं एक साइड अदर कंटेनर लू, इसको मैं हीट करूं, नीचे से हीट देंगे हम इसको, लेकिन यहां पे क्या होगा सॉल्यूशन, क्या होगा यहां पे तो प्योर सॉल्वेंट था लेकिन यहां पे प्योर सॉल्वेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है हम ए प्लस बी करेंगे, यानी इसके अंदर सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, यानी हम ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसके अंदर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी, लेकिन जो सॉल्वेंट है यहां पे केवल सॉल्वेंट के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, लेकिन यहां पे बी जो है यानी कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट के क्या नहीं बनेंगे, यानी सॉल्यूट का है नॉन वोलाटाइल, यानी सॉल्यूट के वेपर्स नहीं बनेंगे, यानी सॉल्यूट के वेपर्स नहीं बनेंगे तो क्या है वेपर प्रेशर भी नहीं होगा किसका, सॉल्यूट का, यानी यहां पे क्या है ओनली पीए होगा, यानी कि पीए की कुछ वैल्यू होगी जो किसके इक्वल होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहां से पीए की कुछ वैल्यू, लेकिन यहां पे पी बी क्या है, पी बी यहां पे जीरो है, क्यों, क्योंकि यहां पे बी जो है यानी सॉल्यूट जो है वो क्या है नॉन वोलाटाइल, और नॉन वोलाटाइल के क्या है वेपर्स नहीं बढ़ते। तो यहां से क्या है, एक बार डायग्राम आप समझ ले, तो यहां पे क्या किया हमने, यहां पे प्योर सॉल्वेंट लिया, यहां पे प्योर सॉल्वेंट नहीं लिया, यहां पे हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, और यहां पे जो सॉल्यूट है वो क्या है नॉन वोलाटाइल, और यहां पे प्योर सॉल्वेंट था, तो यहाँ पे सारे जो वेपर्स बढ़ रहे थे, यहाँ पे वेपर्स बढ़ रहे थे, जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो किसके द्वारा हो रहा था, केवल ए के द्वारा, यानी कि यहाँ पे केवल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, यहाँ पे सॉल्वेंट का होगा लेकिन सॉल्यूट का नहीं होगा, यानी पी बी क्या होगा यहाँ पे जीरो। तो हमने इसी से क्या करना है, एक इक्वेशन ड्रा करनी है, हमने इक्वेशन ड्राइवेशन करना है हमने, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो क्या है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आता है एंट्रेंस के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहां से हम एक ड्रा करते हैं, तो हमने जो बताया था यानी किसके लिए हम निकाल रहे हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, यानी कि प्रेशर किसका सोल्यूट का क्या होगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो क्या है यानी सोल्यूट है, और सोल्यूट क्या ले रखा हमने नॉन वोलाटाइल, यानी इसका कुछ वेपर प्रेशर नहीं होगा, यानी वेपर सी नहीं हुए तो वेपर प्रेशर नहीं होगा, यानी पी बी क्या होगा जीरो। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, आपको एक इक्वेशन याद होगी, अगर हम क्या कर लें, एक बात सीधी बता दूं मैं, अगर मैं सोल्यूट और सोलवेंट को मिला दूं, एक तो प्योर सॉल्वेंट था मैंने अभी भी बनाया था, जो एक तो प्योर सॉल्वेंट था, एक था सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, एक है प्योर सॉल्वेंट, उसके अंदर क्या होगा वेपर्स बढ़ेंगे, यानी जितना भी हमने वहां पे कंटेंट लिया था, जितना भी कंटेंट लिया था किसका सॉल्वेंट का, उन सभी के क्या बन गए वेपर, लेकिन मैंने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन लेने पर क्या हुआ उसमें सॉल्यूट भी था और सॉल्वेंट भी था, वहां पे केवल सॉल्वेंट के वेपर्स बने सॉल्यूट के वेपर्स नहीं बने, तो उससे क्या होगा यानी कि सॉल्यूशन जो है उसके वेपर्स यानी कि वेपर प्रेशर वहां पे कम होगा, किसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर कम होगा और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो PB की वैल्यू कितनी है जीरो। अभी अभी मैंने एक इक्वेशन लिखाया था आपको, कौन सा इक्वेशन, PS इक्वल टू PA प्लस PB, मैंने अभी अभी लिखवाया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने बताया था कि यहाँ पे ये यूज होगा कहां पर, रोल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। A क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट और B क्या है यहाँ पे सॉल्यूट, तो यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट है। अब यहां पे क्या करेंगे हम ड्राइवेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है यहां से, तो क्या करेंगे यहां पे
पी एस इजिकल टू पी ए प्लस पी बी, यहाँ पे पी बी की वैल्यू कितनी है जीरो, क्यों, क्योंकि ये क्या है नॉन वोलाटाइल, यानी इसके वेपर से नहीं बढ़ेंगे, तो पी बी को मैं यहां से हटा दू, यानी क्या बन गया हमारी इक्वेशन पी एस इक्वल टू पी ए, यानी कि ओनली पी ए के इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पी बी की वैल्यू क्या है जीरो, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन थी पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये इक्वेशन उठाई थी हमने, तो यहां से क्या किया हमने पी बी को जीरो इक्वल कर दिया, क्यों, क्योंकि ये क्या है नॉन वोलाटाइल। अब क्या करेंगे पी एस इक्वल टू, ये पी ए किसके इक्वल बताया था मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले लिखवाया था, रोड्स लॉ से, रोड्स लॉ से आएगा ये, कैसे, अगर हम किसी कंपोनेंट का क्या निकाले वेपर प्रेशर, तो किसके इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई वन पार्टिकल का वेपर प्रेशर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी एक पार्टिकल का वेपर प्रेशर, किसका, सोलवेंट के पार्टिकल का, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको, यानी पी ए की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा मोल फ्रैक्शन ए डॉट यानी मल्टीप्लाई विद, ये हो गया, यानी कि हमने यहां से लिख दिया। अब क्या करेंगे हम आगे ड्रा करेंगे, यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन किसका, ए का, एक इक्वेशन आपको याद होगी मोल फ्रैक्शन अगर हम सोल्यूट का और सोलवेंट का अगर हम ऐड कर दे जोड़ दे तो किसके इक्वल होगा एक के इक्वल, वन के इक्वल, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है, ए का प्लस बी का किसके इक्वल होता है वन के इक्वल, तो यहाँ पे क्या है एक्स ए, तो यहां से क्या है एक्स ए की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, एक्स ए किसके इक्वल होगा यानी निट्टा ए, सॉरी यहां से मोल फ्रैक्शन ए का, तो किसके इक्वल होगा वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल होगा, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो पी एस इक्वल किसके होगा वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अब किस किस से मल्टीप्लाई करें इसको, इस सारे से मल्टीप्लाई करें, अब यहां से हम इसको मिटा दें, तो यहां से क्या करेंगे हम पी एस इक्वल टू इसकी वन के साथ, तो पी ये आएगा माइनस इसकी इसके साथ, तो ये हमारी इक्वेशन आगे ड्राइव करी हमने। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम अगला करेंगे स्टेप, जो हमारा अगला स्टेप है क्या करें, यहां से हम इसको यहां उठा लाएं और पी एस को इधर ले जाएं, तो क्या होगा ये आएगा और इसको इधर ले जाएं, तो पी डॉट ए माइनस पी एस ये आ गया। अब क्या करेंगे यहां से इसको क्या लिख सकते हैं हम डेल्टा पी, इसको क्या लिख सकते हैं हम डेल्टा पी, तो मैं यहां पे डेल्टा पी लिख दूं, ठीक है, और यहां से एक्स बी को यहीं पर रखूं और यहां से पी डैश ए, यानी इसको पी डैश ए भी बोल सकते हैं हम, यानी वेपर प्रेशर एक पार्टिकल के, किसका, सॉल्वेंट के एक पार्टिकल का, उसको हम नीचे ले जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल डेल्टा पी, इसको डेल्टा पी, और यहां से ये पी डॉट ए यहां पे इसके नीचे आया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका नाम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों है, क्या नाम इसका, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, यानी इसका नाम क्या है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, यहां से एक्स बी की वैल्यू क्या कर दूं मैं डिक्रीज कर दूं, अगर यहां पे एक्स बी का मतलब क्या है मोल फ्रैक्शन किसके, सोल्यूट के, अगर कम लू मैं यानी कि तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी ए जो है सोलवेंट के वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू बढ़ा दूं यानी सोल्यूट को मैं इंक्रीज कर दूं, किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर ए का क्या होगा कम होगा जस्ट, यानी कि ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, यानी ये क्या है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये ध्यान रखिए इक्वेशन, यहाँ पे क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई पी किसका, यानी कि वेपर प्रेशर किसका है सोलवेंट के एक पार्टिकल का, तो ये था रिलेटिव रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो हम क्या करेंगे रोल्स लॉ जो है उसको डिवाइड करते हैं, उसके सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रोल्स लॉ, यानी रोल्स लॉ को सॉल्यूशन के बेस पे हम दो में डिवाइड करते हैं, एक तो आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी रोल्स लॉ के बेस पे हम सॉल्यूशन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ
रोल्स ला, यानी रोल्स ला के बेस पे हमें सॉल्यूशन को दो में डिवाइड करते हैं, किस किस टाइप में, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा जो ये यूनिट है वो क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, तो रोल्स ला के बेस पे सॉल्यूशन को हमें दो टाइप में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो आइडियल सॉल्यूशन का कोई पार्ट नहीं, यानी आगे इसके कोई भी कैटेगरी नहीं, यहाँ पे इसके दो पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कराएंगे हम, लेकिन पहले आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कर ले, उसके बाद नॉन आइडियल के कितने टाइप हैं, दो टाइप है, कौन कौन से, पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन, शो नेगेटिव डेविएशन, मतलब दो पार्ट इसके आगे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो किसको ओबे करे, रोल्स ला को, यानी जो जो रोल्स ला के साथ साथ चले उसको फॉलो करता रहे, यानी उसको ओबे करे, तो उसको बोलते हैं हमें आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो उसको ओबे ना करे, यानी रोल्स ला जो है, यानी वेपर प्रेशर वाला हमने जो इक्वेशन लिखाया था वो उसको ओबे नहीं करता, कौन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल इसको ओबे नहीं करेगा और आइडियल इसको ओबे करेगा। तो हम सबसे पहले करेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में डिफरेंस आता है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस पूछता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो आइडियल और नॉन आइडियल, तो सबसे पहले है आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन आप यहां से नोट्स बनाते रहें, यहां से जो मैं लाइन लिखूंगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, तो फर्स्ट है, यहीं से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं हम आइडियल और नॉन आइडियल में। तो सबसे पहले डिफरेंस डेफिनेशन है, द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स ला, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो किसको ओबे करे, रोल्स ला को, उसको क्या बोलते हैं हमें, आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले ही डेफिनेशन का डिफरेंस हो जाता है, इसमें रोल्स ला को ओबे करता है, ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो सेकंड है, इसमें हीट ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा हीट ऑफ मिक्सिंग बोलेंगे इसको, डेल्टा हीट ऑफ मिक्सिंग किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। थर्ड, इसमें डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, यानी कि वॉल्यूम को मिक्स करने पे किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल, ये भी किसके इक्वल होगी, जीरो के, यानी कि हीट ऑफ मिक्सिंग किसके इक्वल होगी, जीरो के, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी किसके इक्वल होगी, जीरो के। तो याद रखना आपको, यानी आइडियल सॉल्यूशन के अंदर दोनों जीरो होते हैं। थर्ड पॉइंट है, सॉरी फोर्थ पॉइंट, अब क्या करें, अब बताएंगे आपको इंटरेक्शन, यानी कि सोल्यूट सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन, सोलवेंट सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी, जो सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन बनती है, यानी कि सोल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन जो बनती है, मतलब ए और बी के बीच में, तो हम लिखेंगे यहां से ए ए इंटरेक्शन, ए ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन, बी बी, ये क्या है, सोलवेंट सोलवेंट के बीच में, सोल्यूट सोल्यूट के बीच में क्या इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इक्वल टू, ये क्या होगी, इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन, यानी सोल्यूट और सोलवेंट, सोलवेंट और सोल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, ए क्या है यहाँ पे, सोलवेंट, बी क्या है, सोल्यूट, यानी कि ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसके इक्वल होगी, यानी ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन किसके इक्वल होगी, ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसके इक्वल होगी। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इसका, और यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, क्या है, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका, ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का इक्वल होगा, इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि जो सॉल्वेंट का होगा और सॉल्यूट का होगा, ए का होगा बी बी का होगा, यानी सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का जो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होगा, सॉल्यूशन के, यानी ए प्लस बी के इक्वल होगा, यानी ए प्लस बी के इक्वल होगा, यानी कि सॉल्यूशन के इक्वल होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या है, डिफरेंस है, यहीं से डिफरेंस क्रिएट करेंगे, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है, रोल्स ला को ओबे करता है,
हीट ऑफ मिक्सिंग जीरो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो, ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन किसके इक्वल होगी, ए बी इंटरेक्शन के। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का किसके इक्वल होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन। अगला हम करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जस्ट उल्टा है ये, किसका उल्टा है आइडियल सॉल्यूशन का। पहले है इसका डिफरेंस ही क्रिएट हो जाता है यहाँ पे दोनों में, विच डू नॉट ओबे, ऐसा सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे, जो ओबे नहीं करता, किसको ओबे नहीं करता, रोल्स लॉ को, विच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। तो पहला पॉइंट यहाँ से, यानी जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता, यानी क्या होगा, पी ए नॉट इक्वल टू पी, ये जो यहाँ पे इक्वेशन आई थी हमारी, और पी बी प्रेशर ऑफ सोल्यूट वन पार्टिकल, किसका, सोल्यूट का प्रेशर, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है रोल्स लॉ इक्वेशन, उसको भी ओबे नहीं करेगा, और जो पिछले वाला था आइडियल सॉल्यूशन वो इसको ओबे करेगा, ठीक है। यानी कि जो ओबे नहीं करता रोल्स लॉ, उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड है इसके अंदर हीट ऑफ मिक्सिंग जो है, हीट ऑफ मिक्सिंग वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं होगी, उसके अंदर जीरो के बराबर थी, इसके अंदर नहीं होगी। और ऐसा ही सेम होगा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगी, जीरो के बराबर नहीं होगी, यानी जीरो नहीं आएगी और कुछ भी आ सकती है। फोर्थ पॉइंट है ए ए इंटरेक्शन, ए ए इंट्रैक्शन, यानी सोलवेंट सोलवेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है, एंड बी बी इंट्रैक्शन, बी बी इंट्रैक्शन नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन, ए बी इंट्रैक्शन, यानी कि जो ए बी के बीच में इंट्रैक्शन होगी वो नॉट इक्वल टू ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन, यानी सोल्यूट सोल्यूट के बीच में इंट्रैक्शन और सोलवेंट सोलवेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी वो नॉट इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन। फिफ्थ पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट भी इक्वल नहीं होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये था नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी क्या है, जो रोल्स लॉ को भी नहीं करता, हीट ऑफ मिक्सिंग जीरो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो, और क्या होगा, ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन किससे ज्यादा होगी, नॉट इक्वल होगी, यानी बराबर नहीं होगी, और बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इक्वल नहीं होगा। तो ये था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये इतना ही था आज की वीडियो में, तो जो कल वाली वीडियो होगी उसमें हम लेके आएंगे नॉन आइडियल के टाइप, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो ये वाली वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जो हमारी पीडीएफ है यहाँ पे, जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप मेरी पीडीएफ देख सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की, तो वहां से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। तो हमारे साथ साथ यहाँ से भी उतारते जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत कुछ चीजें ऐड करता हूँ, यहाँ से मैं न्यूमेरिकल भी कराता हूँ, तो यहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हैं और हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए। तो धन्यवाद।